तो हे गाइस, क्या हालचाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं रणदीप हुड्डा की अपकमिंग मूवी स्वतंत्र वीर सावरकर के टीजर के ऊपर। तो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके कहीं ना जाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाना। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं जल्दी से स्क्रीन पर और करते हैं इस टीजर पर रिएक्ट। तो चलिए, आजादी की लड़ाई 90 साल चली, पर यह लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी, बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। ब्रिटिश के टाइम में और बोलने का मतलब यह है कि अहिंसावादी पे नहीं वो करते तो 35 साल पहले आजाद हो जाता। तब मैं मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। अच्छा 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 वीर सावरकर। तो भाई कैसा लगा टीचर आपको? ऑब्वियस ही बात है, हमारे 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 इतिहास पे, हमारे कंट्री के इस पर बेस्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है अच्छा ही लगेगा। तो वीर सावरकर भाई देखो, जो है ना, हमने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की थी कि देखो जो इतिहास था हमारे, जब ब्रिटिश से लड़ रहे थे ना, तो मतलब उस टाइम पे जो वीर सावरकर, ये पोएट थे, पॉलिटिशियन भी थे और राइटर भी थे। मतलब देखो इसमें वही बोला है कि जिसने भगत सिंह को इंस्पायर किया, जिसने लाल बहादुर शास्त्री को इंस्पायर, मतलब इतने सारे सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, फ्रीडम, हमें फ्रीडम दिलाई है, उन सबको इंस्पायर किया है इन्होंने अपने कलम से। ऑथर थे ये, अपनी कलम से उन्होंने इंस्पायर किया है। और जैसे इन्होंने बोला कि अगर गांधी जी नहीं, मतलब अहिंसावादी पे नहीं आए होते तो हम काफी टाइम पहले ही 35 साल पहले आजाद हो चुके होते। लेकिन गांधी जी अहिंसावादी पे कायम थे, कायम थे कि हमें हिंसा नहीं करनी, जिसकी वजह से हमें 33 साल लग गए और छोड़ने में, आजाद होने में। तो भाई साल हमें गुलाम, लेकिन जो मेन बात है ना इस टीजर की, तो इसमें कि जो वीर सावरकर है ना, इनकी स्टोरी कहीं मतलब इनको नहीं दिखाया गया कि जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी, हमें ऑब्वियसली उनको सबको पता है, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, ये इन सबको इंस्पायर करने वाले वीर सावरकर की जो कहानी है ना, वो कहीं दफन होके रह चुकी है किताबों में भी। मतलब आपने बहुत सारे लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा कि वीर सावरकर हैं कौन। तो एक्चुअली बस ये रणदीप हुड्डा, बस इनकी इन्हीं पोएट की, इन्हीं की पॉलिटिशियन है ये भी, जब अंग्रेजों से आजाद होने के लिए इन्होंने भी बहुत सारे रोल प्ले किया यार, किरदार निभाए बहुत सारा, सब कुछ मतलब कि अपनी जिंदगी दी है, रख लो राइटर थे, ऑथर थे, अपनी चीजों से इन्होंने इंस्पायर किया है बहुत सारे लोगों को, कि लोग रेवोल्यूशन, जागरूकता आए लोगों में, कि लोगों में जागरूकता आए और वो वहां जाकर अपने अपने हक के लिए लड़े, इसलिए ये सारी चीजें बस ये है। तो और इनकी इनकी स्टोरी बड़ी कम लोगों को पता है, वीर सावरकर जी कौन थे क्या, इसलिए जो रणदीप हुड्डा ना, मतलब ऑब्वियसली बात है उन्हीं की स्टोरी लेके आए हैं कि इन्होंने कैसे कैसे अपना योगदान दिया है आजादी के लिए। रणदीप हुड्डा की आवाज बहुत ज्यादा जबरदस्त, और ऑब्वियसली बात है यार, टीजर की बात करें, ये तो हो गई सावरकर जी कौन थे क्या थे, और टीजर की बात करें तो टीजर एक मिनट का, एक मिनट के आसपास था और काफी अच्छा लग रहा है यार, क्योंकि अपनी वाइब आ रही है पूरे पिछले जैसे पुराने जमाने वाली वाइब, हमने बहुत सारी मूवीज वगैरह देखी है कि इसमें वही पहले स्टार्टिंग में वही दिखा रहे हैं कि कुछ लोग सत्ता के भूखे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो क्या थे, जिन्होंने भारत देश को आजाद करने के लिए अपना पूरी लाइफ दी है, बलिदान दिया है यार, सुभाष चंद्र बोस जी, लाल भगत सिंह, मतलब इतने सारे लोग, सारे लोग ने हमारे लिए फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, और वो पीछे नहीं हटे कि हाँ हम अपनी जिंदगी कुर्बान कर देंगे तो हमारा क्या होगा, उन्होंने पूरे देश के लिए सोचा, देश के, और कुछ थे सत्ता के भूखे, मतलब स्टार्टिंग में वही है टीजर में, और साथ ही साथ फिर वो वीर सावरकर जी का क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा वो दिखा रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है, कि भगत सिंह को इंस्पायर किया, अपने अपनी कलम से कैसे योगदान दिया है भारत को आजाद करने के लिए। तो भाई ये ना वो ये बायोपिक होने वाली है वीर सावरकर जी की, तो भाई जबरदस्त, मतलब लोग को एक तो लग रहा है कि हाँ हम अपनी
इतिहास को देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमने अंग्रेजों के साथ लड़ाइयां लड़ी हैं। ऑब्वियसली बात है, हमने ऐसे तो पहले बड़ी देखे हैं, लेकिन ये एक स्टोरी होगी जो कभी किसी ने नहीं देखी किसी, होगी किसी ने मुझे दिखाई नहीं। बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि हाँ वीर सावरकर जी हैं कौन, इन्होंने क्या क्या किरदार निभाए हैं, क्या क्या किया है, क्या क्या किया है इन्होंने, किसी को पता नहीं होगा। तो ये मूवी एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है हम सब लोगों के लिए कि हम देखें, और ये अच्छी बायोपिक होने वाली है, और हम देखें कि हाँ लोग मतलब कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, पूरे भारत हमारे लिए, पूरे तो भारत के लिए क्या। हाँ, सही बात है। तो और ये टीजर अच्छा लगा, मतलब अगर देखा क्वालिटी वाइज, मतलब जो पीछे वॉइस आउट है ना संदीप, वो बड़ा जबरदस्त है, काफी अच्छा लग रहा है, वो सबसे ज्यादा जबरदस्त है। पीछे से वॉइस ओवर आ रहा था वो बड़ा काफी, मतलब जो वॉइस आउट जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग चल रही है की सावरकर के उनके बारे में बता रहे हैं कि हाँ ये ऐसे काफी अट्रैक्टिव आवाज लग रही है, और मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो टीजर जबरदस्त है। आप सब बताओ कि आप सबका क्या ओपिनियन है इस टीजर के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना कि आपका क्या ओपिनियन है। हमें तो टीजर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। चलिए मुलाकात होगी आपसे हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।